फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम ओक्टाएफएस ऐप से पैसे विड्रॉल लगाते हैं, वो भी अपने बैंक अकाउंट में। जी हाँ गाइस, मैं आपको इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव बताने वाला हूँ, ठीक। तो जस्ट आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखना है। तो गाइस आपको अपना जो भी ओक्टाएफएस का अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है, ठीक। अब जैसे ओपन करेंगे तो आपको एकदम सिंपल सा इंटरफेस, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको नहीं पता, अगर आप बिगिनर से कि ओक्टाएफएस ऐप क्या है, तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि गाइस ओक्टाएफएस एक प्रकार का ऑनलाइन ट्रेडिंग ब्रोकरेज ऐप है, जहां पे आप बहुत सारे करेंसियों में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे मार्केट के एसेट्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एकदम जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप इसका ऐड तो बहुत जगह देखते होंगे, ठीक। तो गाइस मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना दिया, आप उसको जाकर पहले चेकआउट कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी तो मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे इसमें पैसे विड्रॉल लगाते हैं, ठीक। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल सा इंटरफेस में आपको जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जितना भी अर्न किए रहेंगे उतना आपको शो हो जाएगा। और हाँ गाइस, आप इसमें जितना भी डिपॉजिट करते हैं वो भी अपना निकाल सकते हैं इंस्टेंट, ठीक। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ विड्रॉल लगा के। तो जैसे आपको विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे विड्रॉल, ट्रेड, डिपॉजिट, रन ट्रांसफर्स, अकाउंट सेटिंग। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ गाइस हिस्ट्री ले जाके, मैंने इसमें बहुत सारे पैसे का विड्रॉल लगाया है और डिपॉजिट भी किया है, ठीक। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे $18 का विड्रॉल लगाया था, जो अपना इंडियन करेंसी में करीब 1500 अप्रोक्स से ज़्यादा होता है, ठीक। आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा मतलब विड्रॉल भी लगाया है, $5, $10, $5, मतलब बहुत सारे इसमें आप देख सकते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल फेक नहीं है, एकदम इंस्टेंट का इंस्टेंट पैसे आ जाता है, ठीक। तो चलिए मैं आपको इसमें बिना वक्त गया विड्रॉल करके दिखाता हूँ। तो जैसे आपको विड्रॉल पर क्लिक कर दें, विड्रॉल पर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस मैंने यहाँ पे बहुत सारे विड्रॉल लगाए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर अपना बैंक अकाउंट इसमें सेट करके रखा है। आप लोग भी अगर बहुत सारे आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए रहेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैं बता दूँगा गाइस आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इंडियन लोकल बैंक, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम, स्क्रीन, नेटल, तो गाइस ये सब तो बहुत मतलब ई वैलेट हो गया, जो अदर कंट्री से आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक खास बात यह है कि आपको यहाँ पे इंडियन लोकल बैंक भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगर आप इंडिया से है तो आपको यहाँ पे लोकल बैंक देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जितना भी लास्ट $5 का नहीं लगा सकते, मतलब ₹412 का तक का, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि INR में इसका कन्वर्जन कितना होता है, ₹412। यहाँ पे सेव टेम्पलेट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी पहले बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल लगाए थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ क्या क्या इसमें मांगता है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं, बैंक का डिटेल हूबहू एकदम सेम फिल करना है, जो भी आपके बैंक के पासबुक पे होगा। तो यहाँ पे पूरे यहाँ पे रिसिपिएंट बैंक, तो आपका जो भी बैंक में लेना है, जिसके स्टेट बैंक, HDFC, ICICI, पंजाब, एक्सिस, मतलब बहुत सारे आपको बैंक अकाउंट इसमें देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे IFSC कोड जो भी होता है उस बैंक का एकदम सही से डाल देना है। रिसिपिएंट बैंक अकाउंट मतलब जो आपको जो भी बैंक का होल्डर होगा। और अगर ये ऐप आप जिस नाम से बनाएंगे उसी का बैंक अकाउंट इसमें होना चाहिए, ठीक, नहीं तो इसमें पैसे आपके होल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिसिपिएंट नेम में आपका जो भी होगा वो डाल देना, और आपके जो भी ओक्टाएफएस का जो भी पिन बनाए होंगे वो यहाँ पे सिंपल सा डाल देना है। डालने के बाद से जस्ट आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो चलिए मैं आपको इसमें लाइव दिखाता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ बैक, जो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर सेव किया था विड्रॉल टेम्पलेट में, मैं आपको उसी में बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल लगा के दिखाता हूँ। तो सब मेरा हूबहू का सब सेम है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, ठीक। तो चलिए मैं आपको $5 का इसमें विड्रॉल लगा के दिखाता हूँ। हूबहू मैं यहाँ पे सब चीज़ आ गया, स्टेट बैंक का, SBI, सब चीज़ आई, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सब चीज़। तो जस्ट मैं आपको अब यहाँ अपने ओक्टाएफएस का पिन डाल देता हूँ। डालने के बाद से जस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। रिक्वेस्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको बताएगा यहाँ पे द विड्रॉल टाइम कैन बी अप टू 3 बिजनेस डे। तो गाइस यहाँ पे को सारा इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, ₹412 का आप इसमें विड्रॉल लगा रहे हैं, और यहाँ पर पूरा अच्छे से मिला देना है। उसके बाद जस्ट आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना। कन्फर्म पे जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस ये आपका जो भी है विड्रॉल वो आपका चला जाएगा पेंडिंग में, मतलब कि ये गाइस इंस्टेंट भी कभी कभी पेमेंट कर देता है, नहीं तो मुश्किल 24 से 48 घंटा का टाइम लेता है उसके बाद से, क्योंकि गाइस ये सब वायर ट्रांसफ़र होता है। वायर ट्रांसफ़र मतलब कि बाहर से कंट्री जो भी है पैसे वो हम लोग के INR करेंसी में कन्वर्ट होकर आता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक। तो गाइस आपको बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है, ये आप इसमें विड्रॉल लगा दिया, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं जस्ट आपका स्टेटस आप पेंडिंग में चला गया, जस्ट 24 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको इसी रिलेटेड किसी प्रकार प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे आके मैसेज कीजिए, ठीक। और गाइस अगर आपको और भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानना है तो आप डायरेक्ट मुझे
इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा यहाँ पर जानकारी देता हूँ इससे रिलेटेड भी, चाहे और भी किसी भी ब्रोकरेज ऐप से रिलेटेड। ठीक, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ पर हेल्प करता ही करता हूँ। ठीक, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।